हाँ जी, एक छोटी सी अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि मैंने आज से 2 हफ्ते पहले एक FM और SM का कंपाइलर डाला था, जिसके अंदर मैंने उसके सारे PYQs, RTPs, MTPs सब उसी के अंदर डाले थे, जिसके अंदर MCQs भी इंक्लूड है, जो कि आपको पता है कि आपको MTPs में दिए जाते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे प्रैक्टिस के लिए सोचते हैं कि सर ये जो प्रैक्टिस करें हम, बार बार इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाएँ, ये करें वो करें, तो आप हमें बता दो कि क्या नाम है, प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो ये कंपाइलर जो है मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, जिन जिन बच्चों के पास है ऑलरेडी बहुत बढ़िया बात है, जिनके पास अवेलेबल नहीं है, अगर आपको करनी है प्रैक्टिस तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप इससे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इसमें पेज है कम से कम 184 और जितनी भी चीजें मैंने सीक्वेंस में लगा दी हैं यहां पर आपके ईज के लिए, कि मॉक टेस्ट पेपर है तो उसका सॉल्यूशन होगा उसके नीचे, अगर आरटीपी है तो वो सीरीज में होगी, और अगर सजेस्टेड आंसर्स हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं खाली, सजेस्टेड आंसर भी, तो मतलब क्वेश्चन भी है इसमें और आंसर्स भी हैं इसमें। तो जब आप एक पूरा गो थ्रू कर लोगे, पूरे चैप्टर को रिवाइज वगैरह कर लोगे, तब आपके लिए जो FMSM है थोड़ा सा काम यूजफुल रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या नाम है, लाइक वगैरह भी कर देना। और दूसरी चीज, ICAI के प्रैक्टिस मैनुअल कहाँ मिलते हैं? ICAI के प्रैक्टिस मैनुअल से काफी सारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन फंस सकते हैं आपको, जब पेपर आएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या नाम है, प्रैक्टिस मैनुअल से भी काफी सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सिलेक्टेड चैप्टर्स के अवेलेबल होते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो वेबसाइट खुलेगी और किस तरीके से खुलेगी ये आपको दिखा दूं मैं, और किस तरीके से आपको क्या नाम है जाना है उसके अंदर, देखो जरा ध्यान से, मैं लिंक जो आपको शेयर करूंगा वो इस तरीके से खुलेगा, वो कॉस और FM दोनों के लिए होता है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, इस तरीके से खुलेगा वो लिंक, कैसे 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 ये खुलेगा आपके सामने, मैं सीधा ये वाला लिंक दूंगा आपको, ठीक है, जो सीधा पेज पे ही खुले, बार बार आपको जाना ही ना पड़े, ये लिंक आपके सामने खुलेगा, आ जाओ भाई जल्दी, ये रहा ये लिंक खुलेगा, स्टडी मटेरियल ये वाला, ये जो लेफ्ट इधर वाली चीज, जो मतलब ऐसे देखोगे तो राइट में जो है ये वाली चीज आपको नहीं देखनी, यहां पर हेडिंग लिखी हुई है प्रैक्टिस मैनुअल। अब ऊपर तो आपको किसके दिए हुए हैं, कॉस्ट के, लेकिन जब आप नीचे आओगे तब आपको मिल जाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सारे चैप्टर्स के नहीं मिलेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके आपको मिल जाएंगे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पूरे क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है सर, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, ये जो चैप्टर नंबर 4 है फाइनेंसिंग डिसीजन, इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है सर, कैपिटल स्ट्रक्चर भी इसके अंदर आता है, EBIT, EPS एनालिसिस भी इसके अंदर आता है, लिवरेज भी इसके अंदर आता है, तो काफी सारे चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, तो आप जो है यहां से देख सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, जब आप इसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, और बढ़िया रहेगा ये आपके लिए। तो क्या नाम है, आपको सुपर फट जो आपको कंपाइलर है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और जो प्रैक्टिस मैनुअल है ICAI के कहाँ मिलते हैं उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, प्रैक्टिस मैनुअल उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप जो है क्या नाम है इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप बस टिक मार्क करके भी देख सकते हैं, तब भी आपका काम चल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।